हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फॉर एवर ब्लॉग्स में। मेरा नाम है अमर सिंह। और गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एयर इंडिया सैट्स अपने वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही है, जिसकी जो डेट थी वो 5th and 6th March की थी। तो गाइस, आज है 6th March और मैं आया हूँ अपने दोस्त के साथ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। मेरे दोस्त ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, तो आज उसका वॉक इन इंटरव्यू है। मैं वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। हाय गाइस, मेरा नाम आकाश रजक है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। मैं आपको होटल में जाके इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इंटरव्यू के बाद क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे गए और मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। तो गाइस, मिलते हैं आगे वीडियो में। और गाइस, हमने यहाँ इंटरव्यू के लिए होटल डी मार्क में एंट्री कर ली है। इसके बाद अब मेरा दोस्त यहाँ पे आगे जाएगा पूरे प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद का जो प्रोसेस है, इसके अंदर आपको अपना CV एंड पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेके आगे जाना है लाइन में। वहाँ पे आपका पासपोर्ट और CV चेक होगा, देन आपको फर्दर प्रोसेस के लिए वहाँ से आगे भेजा जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग ये सामने लाइन देख सकते हैं, इसी लाइन में यहाँ पे लगना था और यहीं पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। इसके बाद हमें आगे प्रोसेस के लिए यहीं से जाना होगा अंदर। और गाइस, मेरा दोस्त जो है वो इंटरव्यू के लिए अंदर जा चुका है, मैं यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ। और गाइस, इस होटल के बगल में एक मंदिर है शिव मूर्ति वाला, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जब तक वो इंटरव्यू में अंदर है, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ उस मंदिर का रिव्यू कैसा है मंदिर। तो चलिए, वीडियो में आगे मिलते हैं। गाइज, मैं शिव मूर्ति वाले मंदिर में यहाँ आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने राम जी और सीता माता जी की प्रतिमा है, और इस तरफ है राधा कृष्ण, और मेरे सामने ये देखिए यहाँ पे है शिव जी की प्रतिमा। इनके पास, इनके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतिमा है, और यहाँ पे नंदी बाबा। और गाइस, मेरा दोस्त इंटरव्यू देके बाहर आ चुका है। अब हम इससे पूछेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, कैसा प्रोसेस था, क्या क्या इससे पूछा गया वहाँ पे। तो आकाश, तेरा इंटरव्यू कैसा गया? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। कैसा प्रोसेस था? सबसे पहले जाके तूने वहाँ पे क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराए या क्या हुआ वहाँ पे? नहीं, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए, उसके बाद हम लाइन में लगे, उसके बाद धीरे धीरे करते करते प्रोसेस आगे बढ़ता गया। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अंदर लेके जाना था? अंदर रिज्यूम लेके जाना था और पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेके जानी थी। अच्छा, तो पासपोर्ट में क्या कुछ चेक कर रहे थे, कब इशू हुआ है कब नहीं? हाँ, 2018 से आगे का होना चाहिए, उससे कम का रहेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, 2019-2020 इस तरीके से, राइट? हाँ, ये भी वा राइट। अच्छा, तो तुझसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे? तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, खाली इंटरेस्ट में पूछा गया था जिस बेस पे मैंने अप्लाई किया था उसके बारे में पूछा गया था और कंपनी के बारे में। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये रिस्पॉन्स दिया कि आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, आपका कॉल आएगा तब आना। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में आना होगा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो गाइस, इसी के साथ ये था हमारा एक्सपीरियंस एयर इंडिया सैट्स के इंटरव्यूज़ का। और गाइस, जो इंटरव्यू के लोकेशंस होते हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं होती है, फिर भी हमने कोशिश की है इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत सीन दिखाने की। तो जल्दी मिलेंगे इस तरह के एक और वीडियो के साथ। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।